नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। चुनाव शुरू हो जाएंगे 3 दिन बाद। पहला चरण है मतदान का, यानी कि 19 अप्रैल। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले ये आखिरी ओपिनियन पोल है। अब 1 जून को 5 बजे के बाद ही आपको हम एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो अहमियत समझिए, हम जनता की नब्ज, आपकी जनता जनार्दन की नब्ज, आपके मन की था लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक 543 में से 380 सीटों के रुझान, ये आखिरी नतीजे कतई नहीं है, ये मैं शुरू में ही साफ कर दूं। वो जो सामने आए हैं उसमें एनडीए 244 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। एनडीए यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, इंडिया कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी गठबंधन 128 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही है। और अब बारी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महासंग्राम की। और महाराष्ट्र की अहमियत आप इस बात से आंक सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें। देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वो महाराष्ट्र से ही आती हैं, 48 सीटें। और 48 में से पिछली दफा एनडीए के खाते में 42 सीटें गई थी, 23 बीजेपी, 18 शिवसेना। और शिवसेना के बारे में अभी कुछ और बताने वाला हूं आपको। और एक निर्दलीय भी वो खाते में आ गया था एनडीए के। तो 48 में से 42, 85%, 85% का स्ट्राइक रेट। तो अगर जो दावे किए जा रहे हैं, ताल ठोकी जा रही है, उसे हकीकत में बदलना है तो महाराष्ट्र पर फतेह करनी जरूरी हो जाती है एनडीए के लिए। लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक के साथ वो राज्य भी है, ये 4 राज्य जो दरअसल अंतिम नतीजे क्या होंगे वो भी तय करेंगे। ये स्विंग स्टेट्स भी हैं। यहां विपक्ष क्या खेल पलट सकता है और नतीजे बदल सकता है क्या? ये पहला चुनाव है शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद, एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद। और यहां पर 2 चुनाव एक के बाद एक होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। असली नकली का भी खेल है, विरासत और वारिस उत्तराधिकारी का भी खेल है। बाल ठाकरे की विरासत, उनका सही उत्तराधिकारी महाराष्ट्र में जनता किसे मानती है, उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को? एनसीपी असल शरद पवार वाली है। मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अजित पवार गुट को असल एनसीपी बता दिया है। लेकिन जनता, जनता की अदालत में अब फैसला होने वाला है, शरद पवार को ही असल एनसीपी मानेंगे या उनके भतीजे अजित पवार को? इसी में खेल अटका हुआ है। तो हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। शिरीन, तो फाइनल ओपिनियन पोल में बारी अब महाराष्ट्र की है, 48 सीटों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे ये सी लिंक, जो देश का पहला और सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, 8 लेन वाला। यहीं से मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी और सबसे पहले आंकड़ा जो होगा वो वोट प्रतिशत से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि किसके खाते में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ इस सर्वे में दिख रहा है। और ये देखिए सामने वोट प्रतिशत, एनडीए को 45% वोट प्रतिशत मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 41% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है और इसके अलावा अन्य को भी 14% वोट शेयर जाता हुआ उनके खाते में दिख रहा है। लेकिन 45% एनडीए को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत, वोट शेयर उनके खाते में जाता दिख रहा है। ये तो वोट शेयर की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या निकलकर सामने आई है, जनता का मूड आपको समझ आएगा इन नतीजों से, जो इस सर्वे के नतीजे हैं ये। अब उससे अब देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है, 48 सीटों में से 30 सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकता है और 18 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य को कोई सीट फिलहाल मिलती हुई इस सर्वे के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 30 सीटों के साथ यहाँ सबसे ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को इन 48 में से 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। संदीप जी,
तो आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, 30 एनडीए के खाते में, 18 इंडिया के खाते में। लेकिन कल भी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था बिहार के परिपेक्ष में, और आज भी वही फ्रेज वही शब्द फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। कहानी में ट्विस्ट भी है, बहुत बड़ा ट्विस्ट, देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की वहां धड़कने भी बढ़ी हुई हैं। पहले तो ये बता दूं कि बंटवारा अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, मतलब सीटें पूरी तरह से बटी नहीं है और सारे उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र वाहिद वो इकलौता राज्य है जहां पर यह खेल अभी तक कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जो महाविकास आघाड़ी है यानी कि इंडिया गठबंधन, उसमें शिवसेना 21 पर लड़ रही है, 17 पर कांग्रेस और 10 पर एनसीपी अजित पवार गुट। अब कांग्रेस ने अभी दो उम्मीदवार अपने घोषित नहीं किए, पर एनडीए की बात करें, महायुति की बात करें, तो यहां तो असल में अभी यह भी नहीं पता, संभावित एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, 25 पर उतार दिए हैं, शिवसेना 13 पर उतारेगी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट, 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, एनसीपी अजित पवार गुट 5 उम्मीदवार उतारेगा, 4 का ऐलान किया है। अभी एनडीए गठबंधन के 8 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, तो द गेम इज स्टिल वाइड ओपन। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि खुला हुआ है अभी खेल, एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा ये आपको बताता हूं। हमने कल भी आपको बताया था कि बहुत जगह बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, नजदीकी का मतलब हार और जीत का अंतर 3% वोट, सिर्फ 3%। ऐसी महाराष्ट्र में 15 सीटें हैं, 48 में से 15, 3 में से 1 सीट मोटा मोटा अगर आप कहें, और डेड हीट यानी कि जहां पर हार जीत का अंतर 1% या उससे कम होगा, ऐसी सीटें हैं 13, और 13 में से 8 अभी हमने जो आंकड़ा दिया 30 और 18 का, 8 एनडीए के खाते में और 5 इंडिया के खाते में। अब थोड़ा इसे पलट दीजिए, अगर ये 8 सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं 1% के अंतर से या उससे कम से ये चली जाती हैं इंडिया के पास, तो इंडिया का आंकड़ा हो जाएगा 26 और एनडीए का आंकड़ा हो जाएगा 22। और अगर जो 5 सीटें इंडिया के पास जा रही हैं डेड हीट में वो चली जाती हैं एनडीए के पास, तो एनडीए का आंकड़ा हो जाएगा 35 और इंडिया का आंकड़ा हो जाएगा 13। तो रेंज देखिए, बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है महाराष्ट्र में, इस दंगल में किसका होगा मंगल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।